वहीं राजधानी दिल्ली में आने वाले मानसून को लेकर मेयर शैली ओबेरॉय ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि पिछले एक महीने से हम नगर निगम के साथ मानसून एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि अगर फेज वन में बात करें तो हम 85% सफाई हमने नालों की कर दी है। इसके लिए हमने क्विक रिस्पांस का गठन किया है। उन्होंने आगे बताया कि अगर इस बार मानसून पिछले साल की तरह ज्यादा रहती है तो हमारी तैयारी इसके लिए पूरी तरह से है। उसके बाद कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से 24x7 तैयार हो जाएगा और हो चुके हैं, जो पूरे दिल्ली की स्थिति को मॉनिटर करेंगे। इस क्रम में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मानसून की वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो। पिछले हफ्ते हमने आतिशी जी के साथ मीटिंग भी करी है और जब भी जरूरत पड़ेगी तब सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे। और मैं दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूं कि इस बार का मानसून दिल्ली की जनता एंजॉय करेगी। वहीं दिल्ली से सुभशेट के खास रिपोर्ट। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मुद्दा है वो आने वाले मानसून को देखे हमने रखा है, और आज मीडिया के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ कि मानसून बिल्कुल आने को है और हर बार की तरह नगर निगम ने फिर से अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली है। और आपको बताना चाहते हैं कि पिछले एक महीने से टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे अधिकारी लेवल पर हम लोग खुद भी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, और जो एक्शन प्लान पिछले एक महीने में तैयार कर दिया गया था उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। और नगर निगम में जितने भी हमारे ड्रेन्स हैं, सबसे पहले मैं आपको डेटा पर फोकस करना चाहूंगी कि नगर निगम में जो 4 फीट से ऊपर के जो ड्रेन्स हैं वो लगभग 713 हैं, और जो 4 फुट से कम के जो ड्रेन्स हैं, जो हमारे नाले हैं, वो है 20,000 और 21,000 के लगभग। जो 4 फुट से ऊपर के हैं उनकी जो लंबाई है वो 450 या 460 किलोमीटर है, और जो 4 फीट से नीचे हैं उनकी जो लंबाई है, उनकी जो लेंथ है वो 6600 किलोमीटर है। और दो फेसेस में जो है हमारे मानसून की तैयारी चल रही है। पहला है फेस वन जो है हमारा है बिफोर मानसून, जो हमारी तैयारी होती है। फेस टू है पोस्ट मानसून, जो मानसून के बाद जो नगर निगम जो अपनी तैयारी करता है, जो मानसून के बाद की जो साफ सफाई होती है उस पर फोकस किया जाता है। फेस वन की बात करें तो हमारे जितने भी बड़े नाले हैं 4 फीट से ऊपर वाले, उसके 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं, और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और रही बात फेज टू की, वो मॉनसून के बाद जो है उस पर कार्रवाई होगी। अब इसके लिए हमने एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है। आज